going to set this barricade on fire? Yes, sir! Out the Jews! Aye, sir! Out the Jews! Aye, sir! Out the goddamn Jews! Aye, sir! हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की डिफेंस कैरियर। दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सवाल कर रहे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट का टोटल सैलरी कितना मिलता है इन हैंड। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिसर एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट का टोटल सैलरी कितना मिलता है पर मंथ। जी हाँ, तो वीडियो का अंत बन रही है, चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका दोस्तों पहली बार जो आपका सैलरी रहेगा दोस्तों लगभग 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा, है ना। और उसके बाद आप कमांड होने के बाद यानी 2 साल सर्विस करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट में आपका सैलरी रहेगा दोस्तों 65,000 से लेकर 68,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद यानी 6 से 11 ईयर के बाद कमांड होगा डिप्टी कमांडेंट में, है ना। और उस दौरान आपका सैलरी रहेगा दोस्तों लगभग 20,000 से लेकर 75,000 के बीच। और नेक्स्ट प्रमोट की बात करो, अगर आपका 11 ईयर अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस करते हो तो आपका प्रमोट हो सकता है कमांडेंट, और उस दौरान आपका सैलरी रहेगा दोस्तों लगभग 95,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में, है ना। तो ये था कुछ असिस्टेंट कमांडेंट का पूरी तरह से प्रमोशन से लेकर सैलरी के ऊपर हम बात करें। तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो पर इतना ही, अभी रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।